कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. सो स्टूडेंट यहाँ पे ए के प्लेस पे देखोगे अगर आप लोग तो टू है तो ए इक्वल्स टू टू. टू एच के प्लेस पे क्या है यहाँ पे माइनस फाइव है तो टू एच का वैल्यू जो होगा वो माइनस ऑफ फाइव आ जाएगा. और स्टूडेंट बी का वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर के साथ देखोगे तो थ्री है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा थ्री. पहले का जो एंगल है वो हमने अल्फा कंसिडर किया और इसमें स्टूडेंट ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया था पहले से तो इसमें फॉर्मूले में कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे. यहाँ पे ये एक्यूट एंगल का फॉर्मूला हो गया ठीक है. अब यहाँ पे क्या करोगे दूसरे के लिए हम थीटा क्या यहाँ पे थीटा कंसिडर किया एक्यूट एंगल है. यहाँ से ए मिला टू एच मिला और बी मिला. अच्छा एच का वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू माइनस फाइव बाय टू हो जाएगा. हमने ए का वैल्यू एच का वैल्यू निकाला और बी का वैल्यू निकाल लिया. अब जो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल का फॉर्मूला टैन बीटा इक्वल्स टू सॉरी टैन थीटा इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला है ना यहाँ पे भी टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है ए प्लस बी ए. यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट करो टू हमने वैसे रखा अंडर रूट एच का स्क्वायर है एच कौन है स्टूडेंट यहाँ पे माइनस फाइव बाय टू है तो यहाँ पे माइनस फाइव बाय टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा. देखिए अगर नेगेटिव नंबर है ना तो उसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही आता है तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होगा प्लस ही हो जाएगा. और फाइव का स्क्वायर कितना होगा ट्वेंटी फाइव और टू का स्क्वायर कितना होगा फोर माइनस ए स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी ए हमारा यहाँ पे टू है और बी कितना है थ्री है. जब टू और थ्री को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिक्स आ जाएगा ए इंटू बी मतलब टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी है मतलब क्या हो जाएगा टू प्लस थ्री. अच्छा इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं. इसको और सिंप्लीफाई करोगे टू अंडर रूट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 वैसे ही रहेगा अपॉन 4 इंटू सिक्सटीन फोर इंटू सिक्स कितना हो जाएगा 24 अपॉन कितना हो जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 5. therefore यहाँ पे tan theta equals to 2 into अच्छा ये root के अंदर कितना हो जाएगा 1 upon 4 तो 25 में से 24 minus करोगे तो 1 आ जाएगा और 1 upon 4 किसका square root होता है 1 by 2 का और ये कितना आ जाएगा 5. so ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा cancel therefore tan theta equals to 1 upon 5 आ जाएगा क्या आ जाएगा 1 by 5. equation number 2 equation number 1 but हमें क्वेश्चन क्या दिया था ना स्टूडेंट यहाँ पे जो दोनों के बीच में एक्यूट एंगल है वो इक्वल है तो अगर हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि जब दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल है वो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो थीटा होगा सॉरी अल्फा होगा और जो थीटा होगा वो दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो अल्फा है स्टूडेंट वो किसके इक्वल है थीटा के इक्वल है. बट यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ध्यान से जो अल्फा है ना वो टैन के साथ में और जो थीटा है वो भी टैन के साथ में तो दोनों साइड टैन कंसीडर कर लो. अगर हम दोनों साइड टैन कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा टैन अल्फा और ये क्या हो जाएगा टैन थीटा. अब वैल्यूज पुट करो टैन अल्फा के लिए क्या है मॉडुलस ऑफ टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है ए प्लस बी है और यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू जो हमारा वो होता है वो कितना गया वन अपॉन फाइव आ गया. सो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट जो था उसका एंगल और जो दूसरा था उसका एंगल दोनों इक्वल दिया था और शो दैट में ये बोला है तो पहला वाला जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसका एक्यूट एंगल कितना है यहाँ पे अल्फा है और जो दूसरा है उसका क्या है बीटा. फर्क कितना है सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग है और यहाँ पे अल्फाबेट्स है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा और इसको जब तक सिंप्लीफाई होगा तब तक सिंप्लीफाई करना है. बाद में गिवन कंडीशन क्या था थीटा और अल्फा इक्वल है. अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए. सो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी है अगर ये देखोगे रूट के अंदर नहीं है इसका मतलब रूट हटाना पड़ेगा और रूट हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो. ऑन स्क्वायरिंग
बोथ द साइड्स। जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, और मॉड्यूलस में प्लस माइनस दोनों का भी स्क्वायर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4। रूट का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होके एच स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी का क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना होगा 1, और 5 का कितना होगा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 को अगर 4 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। सो ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट, कुछ डाउट नहीं होगा आई थिंक, देख लो एक बार शेयर। सर मॉड को स्क्वायर कैसे किया, मॉड को स्क्वायर मतलब कैसे, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर है जैसे समझ लो, देखो आप अगर जैसे आप माइनस टू है, ये मॉड में है ना, मतलब इसका मतलब क्या है प्लस टू ही है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, और यहाँ पे प्लस 2 होने दो तो ये भी बाहर क्या आएगा 2, और इसका स्क्वायर भी क्या होगा 4 ही होगा। मींस यहाँ पे माइनस होने दो या प्लस होने दो, दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है 4 ही आने वाला है, समझे विराम? हाँ तो ये हमारा जो क्वेश्चन था मतलब ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होने आई, एक एक एक, एक सम बाकी है। नेक्स्ट सम ये दिया है स्टूडेंट यहाँ पे, एक मिनट रुकना सिर्फ क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, फाइंड दी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ द एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ना यहाँ पे पहले क्वेश्चन 2-3 बार रीड कर लिया करो अच्छे से, बिकॉज जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आगे कुछ कर नहीं पाओगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या बोला है ना, क्या करना है हमें, पहले कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है, कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है किसका, लाइन का, कहाँ से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, और कितना एंगल फॉर्म करना है 60 डिग्री, और कौन से एक्सिस से, वाई एक्सिस से। रिपीट करता हूं, क्या कैलकुलेट करना है, कंबाइंड इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन निकालना है, जो लाइन है वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, कौन से एक्सिस से, वाई एक्सिस से। तो अब हम लोग ये देखते हैं इसका डायग्राम, अब जैसे समझ लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई और एक्स हो गया, जो लाइन स्टूडेंट यहां पे ओरिजिन से पास हो रहा है ना वो वाई एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, कितना फॉर्म कर रहे हैं 60 डिग्री का। अब यहाँ पे समझ लो ओरिजिन से पास हो रहा है दो लाइन, तो हमने रैंडमली ऐसे कंसीडर किया, एक लाइन ये होगा एक लाइन ये हो गया, ठीक है। अब ये समझ लो फर्स्ट लाइन है L1 और ये हमारा L2 है, दो लाइन है ओरिजिन से पास हो रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइन जो है पेयर ऑफ लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, अच्छा कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, कौन से एक्सिस से, वाई एक्सिस से। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन मतलब वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा ना ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला है ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, कौन से एक्सिस से, वाई एक्सिस से। तो ये लाइन के बीच में और ये लाइन के बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री, सेम वैसे ही ये दोनों लाइन के बीच में भी कितना एंगल होगा 60 डिग्री,
नेटवर्क इश्यू होगा फिर वरुण शायद से. कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है, पेयर ऑफ लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है ना, वो एंगल फॉर्म कर रहा है कितना, 60 डिग्री. कौन सा एक्सिस से, वाई एक्सिस से. तो हमने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई कंसिडर किया. ठीक है, एक्स और वाई कंसिडर करने के बाद में यहाँ पे दो लाइन है ओरिजिन से पास होंगे. अब ओरिजिन से पास हो रहे हैं और क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि एंगल 60 बना रहा है कौन से एक्सिस से, वाई एक्सिस से. तो ये जो फर्स्ट वाला लाइन है और ये जो वाई एक्सिस है, इनका बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री. और यहाँ भी ये जो L2 है और ये लाइन है, इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा. अगर हमने कंसिडर किया फर्स्ट लाइन पे पॉइंट A है और सेकेंड लाइन पे पॉइंट B है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमें जो एंगल कंसिडर करना होता था वो स्टैंडर्ड एंगल कंसिडर करना पड़ता था, और स्टैंडर्ड एंगल कभी भी स्टूडेंट एक्स एक्सिस से पास होता है. मैं रिपीट करता हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्टैंडर्ड एंगल होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है. कहां से स्टार्ट होता है, एक्स एक्सिस से. तो अब ध्यान से देखना इसमें डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूं, जो ये एक्स एक्सिस है ना और जो फर्स्ट वाली लाइन है उसके बीच का अगर एंगल हमें कंसिडर करना होगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा. स्टैंडर्ड एंगल चाहिए ना, तो यहां से स्टार्ट होगा और फर्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा. अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो लाइन है वाई एक्सिस, ये पूरा कितना होता है मेजरमेंट, 90 होता है, ये पूरा 90 मेजरमेंट होता है. तो उसमें से सिर्फ ये पार्ट 60 डिग्री का है, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट कितना होगा बताओ आप लोग. थर्टी डिग्री हो जाएगा. वेरी गुड, ये पार्ट कितना होगा, 30 डिग्री होगा. तो जो फर्स्ट वाला लाइन है ना, हाँ वेरी गुड, जो फर्स्ट वाला लाइन है स्टूडेंट, वहां पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री. अच्छा, अब वैसे दूसरे वाले लाइन के लिखो कि अगर आप ना, तो यहां से पूरा ऐसा जाएगा वो, क्योंकि वो पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा. अगर आप देखोगे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ना वो पार्ट्स में डिवाइड, पहला 30 है फिर 60 है फिर 60 है, तो 30 60 60 काउंट करो सब कितना हो जाएगा, 150. तो हमें फर्स्ट लाइन का एंगल जो हो गया, तो पहले हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि ओ ए और ओ बी दो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और एंगल बना रहे 60 60 डिग्री. कौन से एक्सिस से, वाई एक्सिस से. ये सब लिखना कंपलसरी होता है स्टूडेंट, इसके मार्क्स होते हैं. जो हमने डायग्राम में यहाँ पे कंसीडर किया, अज्यूम किया, वो सब यहाँ पे लिखना पड़ता है. तो हम लोग लिखते हैं लेट ओ ए एंड ओ बी बी द लाइंस, बी द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन making an angle of, making an angle of 60 degree with y axis, with the y axis. जो हमारा क्वेश्चन था ना हमने वही लिखा. यहाँ पे बोला गया था लाइन पास हो रहा है, तो हमने वो लाइन डिफाइन किया है, ओ ए है और ओ बी है, ये दो लाइन है पास हो रहा है ओरिजिन से और एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले OA का स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि जब थीटा दिया है तो स्लोप निकालना पड़ता है. तो स्लोप ऑफ OA, स्लोप ऑफ OA कितना हो जाएगा. अब OA के लिए देखो कि अगर आप एंगल कितना बनाए 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan 30, और tan 30 होता कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा बराबर. और अब इसके बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन OA निकाल लेते हैं. इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए. देखो पहले हम ना स्लोप निकाले, अब उसका ये क्या बोलते हैं, स्लोप निकालने के बाद में उसका इक्वेशन निकाल लो. अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या आता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स आता है. वाई इक्वल्स टू क्या आता है, एम एक्स आता है. और यहाँ पे एम का वैल्यू कितना है, 1/√3 है. तो ये वाई इक्वल्स टू 1/√3 एक्स हो जाएगा. ऐसा टाइप का सम हमने किया अभी था लास्ट एक्सरसाइज में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इनटू y कितना हो जाएगा, √3y, और यहाँ पे ये क्या होगा, x हो जाएगा. सो अरेंज करो इसको,
x को वहीं पे दो और ये प्लस में ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री वाई। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ना फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मिल गया ओ ए का, कंबाइंड इक्वेशन के लिए और एक इक्वेशन चाहिए तो फर्स्ट हमने निकाल लिया। अब ओबी के लिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ओबी के लिए यहाँ पे लिखता हूं मैं स्लोप ऑफ ओबी, स्लोप ऑफ ओबी ये क्या हो जाएगा टैन, टैन 150 हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता है कि 150 जो होता है वो कहां आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करोगे, 180 में से कितना माइनस करना है 30। सो उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस ये कितना होगा 30 डिग्री और ये कितना आ जाएगा माइनस 1/√3। सो हमारा यह हम फर्स्ट वाला जो स्लोप था 1/√3 है और सेकंड वाला क्या है माइनस 1/√3। अब इसका भी स्लोप निकालने के बाद इसका इक्वेशन निकाल लो तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओबी उसका भी क्या होगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स होता है, एम का वैल्यू कितना है माइनस 1/√3 एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट यहाँ पे तो रूट थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स है, ये माइनस है ये साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो। सो स्टूडेंट यहाँ में हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया और ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया तो इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट जो था वो क्या था x माइनस रूट थ्री वाई तो x माइनस रूट थ्री वाई और जो दूसरा था स्टूडेंट वो था x प्लस रूट थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो। अब ये a है और ये b है, यहाँ पे a माइनस b है और यहाँ पे a प्लस b है तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री और यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो स्टूडेंट ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक बार रिपीट करता हूं, कंबाइंड इक्वेशन निकालना था जो लाइन पास हो रहा था ओरिजिन से और एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, कौन से एक्सिस से वाई एक्सिस से। तो जब हमें ना कंबाइंड इक्वेशन निकालना होता है तो मतलब ये दो इक्वेशन कंपल्सरी होना ही चाहिए बिकॉज कंबाइंड इक्वेशन मिनिमम टू इक्वेशन रिक्वायर्ड होते हैं। सो हमने पहले 60 डिग्री से एक स्लोप निकाल फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन निकाल लिया, फिर सेकंड के लिए भी वैसे ही स्लोप निकाल के इक्वेशन निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, लास्ट एक्सरसाइज पेंडिंग है स्टूडेंट यहाँ पे। तब तक आप लोगों को कुछ आउट नहीं है ना इसमें, अब तक मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा ये चैप्टर में। फर्स्ट हमने ये पढ़ा कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कंबाइंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना होता है लेफ्ट हैंड साइड के साथ और इक्वल टू राइट हैंड साइड इनटू राइट हैंड साइड ऐसा होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन मिलेगा वो हमारा कंबाइंड इक्वेशन होता है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऐसा होता है ये स्टूडेंट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो होता है यहाँ पे। उसके बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन पढ़ा हमने, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू जीरो, ये होमोजीनियस इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखते हैं तब ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लोप। हाँ ऐसे होमोजीनियस को इन टर्म्स ऑफ स्लोप जब लिखते हैं तब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज किया जाता है। अच्छा सम ऑफ द स्लोप का क्या फॉर्मूला था, माइनस टू एच अपॉन बी था। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप के लिए यहाँ पे फॉर्मूला था ए अपॉन बी, सम ऑफ द स्लोप के लिए माइनस टू एच अपॉन बी एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप के लिए ए बाय बी। फिर एक थ्योरम हमने पढ़ा था जो वहां पे रिप्रेजेंट करता है लाइन ओरिजिन से पास होता है जब वहां पे कंडीशन था एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो वाला थ्योरम डाउट था एक दो जन का तो वो मैं क्लियर कर दूंगा लेक्चर के लाइन ठीक है। और फिर इसके बाद में
हमने एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा था, एक्यूट एंगल दो लाइन के बीच का, जैसे समझ लो ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल अगर कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे। क्या था यहाँ पे फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये ऐसा था कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा जब लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होंगे, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो कंडीशन क्या हो जाता था स्टूडेंट ने, यहाँ पे ए प्लस बी किसके इक्वल आता था, जीरो के इक्वल आता था। रिपीट करता हूँ, पहले कंबाइंड इक्वेशन निकाला, फिर होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ा, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर सम ऑफ दिस स्लोप प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप, और फिर एक थ्योरम था एक्यूट एंगल पढ़ा। इसके बाद में जब नोट में हमने देखा था जब लाइन परपेंडिकुलर होगा तब क्या कंडीशन होगा, ए प्लस बी को एड कर तो जीरो आ जाएगा। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन था, इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन, यहां पे क्या था एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, पैरेलल के लिए भी सेम कंडीशन था, जब कोइंसाइड करेंगे तभी भी सेम कंडीशन था। कोइंसिडेंट करेंगे तभी भी यहां पे सेम कंडीशन था। सो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज स्टूडेंट आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अब यहाँ पे पहले जो लाइन थी ना वो दोनों ओरिजिन से पास हो रहा था, बट अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो यहाँ पे कैसा है इसका नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग है जनरल, यहाँ पे सेकेंड डिग्री, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जो फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज में हमने स्टूडेंट पढ़ा वहां पे वो जो लाइन थे वो दोनों के दोनों किससे, ओरिजिन से पास हो रहे थे, और यहाँ पे ये जो मतलब जनरल सेकेंड डिग्री के लिए इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं लाइन ओरिजिन से पास नहीं होता है, तो यहाँ पे चाहिए तो लिख लो आप नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में है वहां पे सब लाइन कहां से पास हो रहा था, ओरिजिन से, अब जो लास्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो अच्छा यहाँ पे सेकेंड डिग्री इक्वेशन के लिए दो इक्वेशन पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है, दो इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ये भी मतलब एक टाइप का थ्योरम ही है, हम लोग कंसीडर करते हैं यहां पे, लेट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो। अगर आप लोगों को पता होगा तो ये एक लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, दो लाइन होना चाहिए ना, और दूसरा क्या हो जाएगा एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, बी एनी टू लाइन्स, बी एनी टू लाइन्स इन द प्लेन, इन द प्लेन मीन्स कौन से भी क्वाड्रेंट में होगा बट सेम प्लेन में होगा, सेम प्लेन में है दोनों इक्वेशन, ए वन एक्स वन वाई सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड इक्वेशन था, वो क्या था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो जब दो इक्वेशन कंसिडर करना है तो पहले सब में वन वन, फिर बाद में सब में टू टू टू, सो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन कंसिडर कर लिया, और जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन वैसे ही मिलता है वैसे हमें होमोजीनियस इक्वेशन मिलता था, तो इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई कंबाइंड इक्वेशन प्लस सी वन, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई
प्लस सी टू सॉरी इक्वल्स टू जीरो। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिल जाएगा। तो दो लाइन कंसीडर किया, अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पहले ए वन का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ कर देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। सो यहाँ पे पहले ए वन को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ए वन को ए टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर्स तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब अल्फाबेट जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, बट वेरिएबल भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, ए वन ए टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ए वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बी टू के साथ। तो ए वन इंटू बी टू एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब लास्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई, सी के साथ, प्लस ए वन सी टू एक्स हो जाएगा। सो ए वन के लिए जितने भी टर्म्स हमें सिंप्लीफाई करने के बाद मिले उनको मैंने ब्लू पेन से लिखा है, फिर मिडल वन के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ। अब बी वन के लिए, बी वन को इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ए टू बी वन एक्स वाई, ठीक है। बी वन यहाँ पे भी है, बी टू यहाँ पे, और दोनों वाई है, तो बी वन बी टू वाई स्क्वायर, और लास्ट में बी वन और सी टू हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, बी वन सी टू और क्या होगा वाई। तो ये मतलब फर्स्ट वाला मैंने ब्लू पार्ट से लिखा, फिर रेड पार्ट से, नेक्स्ट वन में वापस ब्लू पार्ट से लिख रहा हूँ, और ये प्लस है तो यहाँ पे वापस प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। तो सी वन को ए टू के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए टू सी वन एक्स हो जाएगा, प्लस बी टू सी वन वाई हो जाएगा, और लास्ट सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो। सो अब क्या करना हो स्टूडेंट यहाँ पे, ये ना कैसे, ये टर्म्स अगर आप देखोगे मतलब ना यहाँ पे ये कैसे एक्स वाई का ये टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स वाई का टर्म आ रहा है, ये वाई है यहाँ पे भी वाई है, ये एक्स का टर्म है यहाँ पे भी, सॉरी ये एक्स का टर्म। तो कैसे ना थोड़े से टर्म्स को अरेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो एक्स स्क्वायर है उसको लिखो, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर अगर आप लोग देखो एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर का, ए वन ए टू एक्स स्क्वायर, तो पहले मैं वो लिखता हूँ ए वन ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए वन ए टू एक्स स्क्वायर के बाद में अब जो एक्स वाई है उसको साथ में लिखो, एक्स वाई का कौन सा टर्म है यहाँ पे, ए वन बी टू है और ए टू बी वन है, तो दोनों पार्ट में यहाँ पे ये जो पार्ट में एक्स वाई कॉमन है स्टूडेंट यहाँ पे, और दोनों का साइन प्लस है, बाहर भी क्या आएगा प्लस, फर्स्ट वाले में एन बी टू मिल जाएगा और दूसरे के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा ए टू बी वन, और बाहर क्या आएगा एक्स वाई। अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में रख रहे हैं। फिर इसके बाद में वाई स्क्वायर के लिए देखोगे, अगर आप लोग वाई स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या है बी वन बी टू बी वन बी टू वाई स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स वाई आ गया, फिर वाई स्क्वायर आ गया, अब एक्स का टर्म आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। एक्स के टर्म्स देखो कौन कौन है, एक ये एक्स का टर्म है और एक यहाँ पे एक्स का टर्म है, तो इन दोनों में भी एक्स कॉमन निकाल, दोनों में भी एक्स कॉमन निकालो क्या होगा, फर्स्ट में ए वन सी टू है ए वन सी टू, और सेकेंड में क्या है ए टू सी वन है ए टू सी वन, और यहाँ पे बाहर क्या एक्स आ जाएगा, ठीक है ये एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट लाइक प्लस वाई के लिए कौन है बी वन सी टू और बी टू सी वन, बी वन सी टू फिर बी टू सी वन, यहाँ पे क्या सो उसके बाद में यहाँ पे ये लास्ट में जो कांस्टेंट है मैं उसको वैसे लिखो, यहाँ पे लिखो सी वन सी टू इक्वल्स टू क्या आएगा सी टू। पहले हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, अब यहाँ पे अरेंजमेंट्स किया हमने। अब जैसे कि हमने कंबाइंड इक्वेशन में कुछ अज्यूम किया, मतलब कैसे हर जगह पे ये सब मतलब ए वन ए टू ए टू बी वन, मतलब ऐसे लिखना थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना इनको कुछ अल्फाबेट्स, इनको मतलब स्पेशल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इससे।
कंसीडर करो यहाँ पे, लेट ए वन ए टू, ये देखो एक अल्फाबेट है तो इसको हम लोग ए कंसीडर कर ले रहे हैं, लेट ए वन ए टू इक्वल्स टू ए, ठीक है। और जो एक्स वाई के साथ में है, जो एक्स वाई के साथ में है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, टू एच कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए वन बी टू। सिर्फ ये कंसीडर किया है स्टूडेंट, ऐसा मत समझना कि इसी को क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सल है वहां पे यही सब अल्फाबेट्स कंसीडर किया है, तो हमें भी वही कंसीडर करना है, सिर्फ अज्यूम करना है और कुछ इसका रीजन नहीं है। तो यहाँ पे ए वन ए टू को ए कंसीडर करोगे, ए वन बी टू ए टू बी वन को टू एच कंसीडर करोगे। अब यहाँ पे देखो दो का टर्म्स है तो इसको बी कंसीडर कर लो, बी वन बी टू को हमने बी कंसीडर कर लिया, क्योंकि ये इक्वेशन को बार बार लिखना थोड़ा वो लेंदी हो जाएगा, तो कैसे स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे अगर लिख दोगे तो वो हमें और सिंप्लीफाई हो जाएगा इक्वेशन। अच्छा, जो एक्स के साथ में, जो एक्स के साथ में, वरुण इसमें कंफ्यूजन क्या है, सिर्फ दो लाइन दिया है, दो लाइन दिया है, इसके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ये सब तो आप लोग बचपन करते रहोगे, और इसके बाद में फिर एक्स स्क्वायर को साथ में रखना है, एक्स वाई को साथ में रखना है, सिर्फ लाइक टर्म्स को साथ में रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक तो मतलब आप लोग ब्रैकेट नॉर्मल ओपन कोई भी कर सकते हैं यहाँ तक। फिर इसमें अरेंजमेंट सिर्फ करना है, एक्स स्क्वायर साइड में, फिर एक्स वाई साथ, वाई स्क्वायर साथ में, एक्स का टर्म साथ में, वाई का टर्म साथ में, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, इजी, ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। फिर बी वन सी टू प्लस बी टू सी वन को हमें, सॉरी मैंने एक्स का टर्म नहीं लिखा, ये वाई का टर्म मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टू एफ कंसिडर करता हूँ इसको, और फिर जो एक्स का पार्ट था ए वन सी टू प्लस ए टू सी वन, इसको हमने कंसीडर कर लिया टू जी, और लास्ट में जो कॉन्स्टेंट टर्म था सी वन सी टू उसको सी कंसीडर कर लिया। एक बार रिपीट कर दें, तो जब पहले ए वन ए टू है तो ए, ठीक है, एक मिनट, ए वन ए टू है तो ए आ जाएगा, बी वन बी टू है तो बी आ जाएगा, सी वन सी टू है तो सी आ जाएगा, जो एक्स एक्स वाई के साथ में है वो टू एच, जो सिर्फ x के साथ में है वो 2g, और जो x f के साथ में है, सॉरी जो y के साथ में है वो 2f हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये वाली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाँ सर, सो सर आई सेंड अनदर लिंक टू एवरीबॉडी, इफ वी कैन जॉइन दैट मीटिंग द टाइम फॉर दिस इज ओवर, हाँ सर।